हाय एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ मोलरिटी इनटू मोलरिटी। मोलरिटी को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आज हम उसको देखते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। मोलरिटी जो होती है वो हमारी कैपिटल एम से डिनोट होती है, एंड मोलरिटी है ये हमारी स्मॉल एम से डिनोट होती है। इसके जो डेफिनेशन है मोलरिटी की जो डेफिनेशन है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड मोलरिटी की जो डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर सॉल्यूशन का यूज़ किया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन का, और यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट का यूज़ किया गया है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है वो इस तरह दिया जाता है। क्वेश्चन है ये हमारा 5 m, या आप इसको कह सकते हैं 5 molar इक्वस NaOH सॉल्यूशन। अब जो ये 5 molar इक्वस NaOH का सॉल्यूशन है, इसको मोलरिटी में कैसे चेंज किया जाएगा, यहाँ पर ये हम देखते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी क्वेश्चन ये इस टाइप को सॉल्व करेंगे, तो इसमें एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे। तो बहुत सिंपल डायग्राम है ये, आपको हो गया सॉल्यूट प्लस ये जो है ये आपको हो गया सॉल्वेंट, और यहाँ पर ये आपका बन गया सॉल्यूशन। तो जब भी हम एक सॉल्वेंट लेंगे उसमें हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, उसमें हमने थोड़े से सॉल्यूट के मोल्स को डिसॉल्व किया, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो सॉल्यूशन है इसके 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब जब हम मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा ये सॉल्यूट है इसको ग्राम में चेंज करेंगे, इसके मास को ग्राम में चेंज कर देंगे, और जो सॉल्यूशन है इसकी भी मास को ग्राम में चेंज कर देंगे, और इसके बाद जो सॉल्वेंट है उसका ग्राम निकाल के हम मोलरिटी के फॉर्मूले में जो सॉल्वेंट का यूज़ होता है उसमें हम उसकी वैल्यू को पुट करके ईजीली सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है 5 m इक्वस NaOH सॉल्यूशन, और इसकी जो डेंसिटी है वो दी है 1 g/ml। 5 m इक्वस NaOH सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी है 1 g/ml, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूट देखते हैं, तो सॉल्यूट में ये 5 m मोलर जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर दिया गया है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 mol इक्वस NaOH सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये 5 mol है, 5 mol है, ठीक है, और ये NaOH है। अब NaOH का मास हम कैसे निकालते हैं, तो NaOH की जो मॉलिकुलर वेट है वो 23 है, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, टोटल मिलाकर ये हो गया 40 g। 1 mol NaOH का वेट जो है वो 40 g है। हमें सॉल्यूट 5 mol दिए गए हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें 5 mol दिए गए हैं, तो इसका जो वेट है 5 × 40 इज इक्वल टू 200 g। इससे हमारा यहाँ पर सॉल्यूट निकला है, ये सॉल्यूट का मास है, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन के बारे में देखना है, सॉल्यूशन की जो 1 लीटर सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1 g/ml है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी है, ये मास है और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमें यहाँ पर लीटर में दिया गया है, और डेंसिटी हमें यहाँ पर 1 g/ml दी गई है, क्योंकि वहाँ पर वो लीटर में दिया गया है, उसको हम 1000 ml में चेंज कर लेते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और डेंसिटी की वैल्यू दी है 1 g/ml, तो ये आ गया आपको 1 g/ml इज इक्वल टू मास
और वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है 1000, तो ये जो मास निकल के आएगा 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा और इसका मास की वैल्यू होगी 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो 1000 ग्राम निकल के आया और यहाँ पर सॉल्यूट है ये 200 ग्राम निकल के आया, तो सॉल्वेंट कितना होगा 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पर जो ये सॉल्वेंट है ये 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 ग्राम, तो यहाँ सॉल्वेंट की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो यहाँ जो मोलरिटी है इसके जो मोल्स हैं सॉल्यूट के मोल्स 5 हैं, तो यहाँ पर ये 5 अपॉन और जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में 1000 ग्राम लिया, यहाँ पर 200 लिया, तो यहाँ पर 800 ग्राम आया सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट का वेट है वो 800 ग्राम है। अगर हम यहाँ पर किलोग्राम लेते हैं तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते, और अगर हम यहाँ पर ग्राम में लेंगे इस वैल्यू को, 800 ग्राम लेंगे इस वैल्यू को, तो ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की, तो हमारा ये सॉल्व करके आ जाएगा 20 से 20 गए 50/8 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25। तो यहाँ पर हमने मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब हम लोग मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने का एक बहुत सिंपल फार्मूला देखते हैं। अगर आपको वो वाला मेथड जो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है जिससे आपके बेसिक क्लियर हो रहे हैं वो आपको अगर लॉन्ग मेथड लगता है तो आप इस छोटे से फार्मूले से भी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ, तो ये फार्मूला जो है कैपिटल डी जो कि डेंसिटी है इज इक्वल टू कैपिटल एम मोलरिटी है ब्रैकेट में 1/ स्मॉल एम, ये मोलरिटी है, प्लस मॉलिक्यूलर वेट या फिर आप इसको मोलर मास भी कह सकते हैं ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फॉर्मूला है पूरा, ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, ये मोलरिटी है, ये स्मॉल एम मोलरिटी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है अपॉन 1000। तो ये फॉर्मूले से पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक ही फार्मूले से। इसमें जो डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में दी गई है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर जो NaOH है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ग्राम में दिया गया है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा और डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और जो 5 ml है मोलरिटी 5 मोलर ये 5 यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी हमें दी है 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पर ये 1 है इज इक्वल टू मोलरिटी जो है ये 5 दी गई है इसकी वैल्यू, और ये जो मोलरिटी है स्मॉल m ये हमें फाइंड आउट करनी है, और ये जो मोलरिटी है इसको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, प्लस मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो NaOH है इसका मॉलिकुलर वेट होता है 40 ग्राम। मैंने आपको पहले भी बताया है 40 ग्राम होता है NaOH का मॉलिकुलर वेट अपॉन, यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर भी 1000। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा 1/5 = 1/m प्लस 40/1000 तो 1/25, और ये 1/5 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/m। इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू LCM लेंगे हम 25 का,
और यहाँ पर 5 है, तो 25 को 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा माइनस, यहाँ माइनस साइन है, और 25 को 25 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 4/25। इस पूरे की वैल्यू जो आएगी 4/25 आएगी, ठीक है। अब 4/25 जो है इज इक्वल टू 1/m, और m की वैल्यू जब आएगी वो आएगी 25/4, और जो कि वैल्यू आएगी यहाँ पर 6.25 आंसर आएगा आपका। तो आंसर जो है वो दो तरह से सॉल्व हो गए, एक तो इससे पहले वाला मेथड बताया था जो इजी है बेसिक है, और ये भी इजी है, एक फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों से ही आंसर सेम निकल के आ रहा है।